कनेडियन इमिग्रेशन ने पीटी को प्रेफर्ड इंग्लिश टेस्ट में से निकाल दिया है। अब आप पॉजिटिव आउटकम के लिए आइल्स का सहारा ही लें। अगर आपने पीटी करी है तो अपने स्कूल कॉलेज से जहां से 12वीं करी है, बैचलर करी है, वहां से एक लेटर लेके अपनी फाइल में जरूर लगाएं जिसपे लिखा हो कि आपने पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में करी है। पीटी वाले बच्चे अंग्रेजी मीडियम की अगर लेटर लगाएंगे फाइल में तो कुछ चांस बनते हैं जिससे कि उनको वीजा मिल सकता है। अगर आप अकेला पीटी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसको इंग्लिश एबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा, इसलिए आयल्स के ऊपर ही फोकस करें। यदि आपके आयल्स में 5, 5.5 बैंड भी हैं तो भी इमिग्रेशन उसको मान लेगी। अगर आप पीटी में 7 बैंड भी लेके फाइल डाल रहे हैं तो उसको इंग्लिश एबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। ये अपडेट रीसेंट है जिसमें आपको सिर्फ आयल्स करनी है, चाहे आप आयल्स जीटी में कर लो चाहे एकेडमिक कर लो। जिनकी आयल्स 2 साल से पुरानी भी हो चुकी है वो भी आयल्स के बेस पे फाइल लगाएं। पीटीई से दूर रहें तो ही आप कनाडा जा पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर पे